बड़हलगंज पुलिस ने 22 नवंबर को हुई महिला की हत्या के आरोप में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को सीधे गौर से आगे पटना गांव के पास कपरवार जाने वाली रोड पर से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान उमेश यादव उर्फ अजीत यादव पुत्र शीलत यादव निवासी ग्राम मरवटिया थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर, दूसरा श्रीकांत यादव पुत्र रामायण यादव निवासी ग्राम हरदेउरा थाना मदनपुर जनपद देवरिया, तीसरा विश्वनाथ यादव पुत्र राम मनोहर यादव निवासी हरदेउरा थाना मदनपुर जनपद देवरिया के रूप में हुई है, जिनके पास से 2 मोटरसाइकिल 3 मोबाइल 1 तमंचा बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि पुष्पा यादव का भतीजा गोपाल यादव, जो इस समय कोरिया में रहता है, वह अपनी चाची के चरित्र से काफ़ी दुखी था तथा समाज में लोक लाज से उसके परिवार की छवि धूमिल हो रही थी, जिससे गोपाल यादव ने अपने दोस्त विश्वनाथ यादव से संपर्क किया, जो गोपाल यादव का खेत बटाई पर जोतते बोते हैं और विश्वनाथ का भाई श्रीकांत यादव जो पूर्व प्रधान रहा है तथा विश्वनाथ यादव अपने भाभी को चुनाव लड़ाने के लिए गोपाल से करीब 7 लाख प्रधानी के चुनाव के समय ही लिया था, तो गोपाल यादव उसी समय विश्वनाथ यादव से कहा था कि तुम लोगों को एक काम करना होगा तथा समय आने पर हम बताएंगे, तब विश्वनाथ यादव ने यह बात अपने भाई श्रीकांत को बताया था, जिससे वह तैयार हो गया था तथा फिर समय आने पर गोपाल ने अपनी चाची पुष्पा यादव की हत्या करने के लिए कहा तो वो तैयार हो गए और गोपाल विश्वनाथ व श्रीकांत यादव से मिलकर घटना को अंजाम देने के लिए योजना बनाकर अपने सहयोगी तेजू उर्फ तेज नारायण पुत्र रामचरण यादव निवासी हरदेउरा थाना मदनपुरा जनपद देवरिया व अपने रिश्तेदार उमेश अजीत यादव पुत्र शीतल यादव निवासी मटवरिया थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर तथा बदमाश मिथिलेश उर्फ लालू व गोविंद जो मधुबन क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके साथ मिलकर सभी लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिए थे तथा घटना को अंजाम देने के लिए श्रीकांत उमेश यादव दिनांक 17 नवंबर को मृतक का पुष्पा यादव के घर की रेकी किया था तथा फिर योजना के अनुसार 22 नवंबर को दिन में घटना को अंजाम दिया और घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मिथिलेश यादव उर्फ लालू व गोविंद यादव बलिया जनपद के उभाव थाने में अवैध शस्त्रों के साथ 1 दिसंबर को पकड़ा कर जेल चला गया। एसएसपी ने बताया कि इस घटना में थाने में हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार करने वाली टीम को अपर मुख्य सचिव गृह के द्वारा घटना के खुलासा के लिए 1 लाख का पुरस्कार दिया जाता है। गिरफ्तार करने वाली टीम में बड़हलगंज थाना प्रभारी उमेश कुमार वाजपेयी, एसओजी प्रभारी चंद्रभान सिंह, एसओजी उप निरीक्षक अरुण सिंह, सर्विलांस प्रभारी धीरेन्द्र राय, वरिष्ठ उप निरीक्षक अश्विनी कुमार तिवारी, उप निरीक्षक अभय नारायण सिंह, हेड कांस्टेबल रशीद अख्तर खां, राजमंगल सिंह, कांस्टेबल नीलेश कन्नौजिया, सत्येंद्र भास्कर, अनिल यादव, सत्यप्रकाश सिंह, अरुण यादव, इंद्रेश वर्मा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, सीधा साजिश करता वही है, काम हटा लो, कोई बात नहीं, मैं पहुँचा है पर एक बराबर ये कहते रहे कि सही होनी चाहिए, भले नहीं।
कलगंज में 22 नवंबर को एक घटना हुई थी जिसमें एक महिला को घर में घुसकर गोली मारी गई थी, जिसमें उस महिला की मौत हुई थी। उस पर पुलिस ने जो वादी पक्ष है उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया, कुछ नामजद अभियुक्त थे उनके खिलाफ। पुलिस इसमें तहकीकात में लगी, तमाम क्षेत्र से जानकारी बटोरी गई और वहाँ के CCTV फुटेज खंगाले गए। उसमें एक संदिग्ध पुलिस को नज़र आया जिसकी बाद में शिनाख्त उमेश के रूप में हुई, उमेश यादव के रूप में, जो कि बड़लगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस पर पुलिस ने उमेश यादव को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की। पूछताछ में ये स्पष्ट हुआ कि घटना में उसकी बाइक का प्रयोग हुआ है, वही बाइक भी बरामद की पुलिस ने। और उमेश के रिश्तेदार में देवरिया के रहने वाले दो युवकों की जानकारी हुई जो इस घटना में उनके साथ लिप्त रहे, उनको भी पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार किया। तीनों युवकों से जब पूछताछ की गई और इनके मोबाइल की जांच की गई तो उसमें कई तथ्य सामने आए, जिसमें कि यह सामने आया कि एक नामजद अभियुक्त गोपाल यादव, जो कि मृतका का भतीजा है और कोरिया में रहता है, उसने यहाँ पर अपने गाँव के ही विश्वनाथ यादव के साथ मिलकर, जो कि विश्वनाथ को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, यह घटना की प्लानिंग की और इसको अंजाम दिया। इसके लिए गोपाल ने दो लड़के मऊ से बुलवाए थे और इसमें सभी लोगों का अलग अलग रोल रहा था, जिसमें विश्वनाथ का रोल रहा पूरे षड्यंत्र को तैयार करने का। यहाँ पर उमेश जो थे वो लोकल गाइड के तौर पे काम किए। यहाँ पर जो मऊ से लड़के आए थे उन्होंने घटना को अंजाम दिया था और उमेश ने यहाँ पर विश्वनाथ और श्रीकांत के साथ मिलकर गांव चिन्हित किया, घर चिन्हित किया और घर का वीडियो भी बनाया, जो कि उन्होंने फिर कोरिया भेजा और वहां से पुष्टि होने के बाद कि ये मृतका का ही घर है, ये घटना को 22 तारीख को अंजाम दिया गया। इसमें घटना में सामने आया है कि जो मृतका है उसकी पति की मृत्यु 2017 में हो गई थी और उसके बाद से इनका कुछ लोगों से मिलना जुलना था, जो कि इनके परिवार के लोगों को नापसंद था। मृतका के चार बच्चे भी थे और इसी बात को लेकर इनमें पारिवारिक तनाव था, जो इनके पति की तरफ के जो ससुराल पक्ष के लोग थे वो इनको मना करते थे कुछ लोगों से मिलने से और उनका घर पे आने जाने पे ऐतराज़ किया जाता था, जिस पर लेकर कई बार इनका झगड़ा भी हुआ, मनमुटाव भी चल रहा था, उसी के चलते ये घटना को अंजाम दिया गया है जी। इसमें जो मोटरसाइकिलें हैं दो घटना में प्रयुक्त हुई वो बरामद हुआ है, एक अभियुक्त से उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर है वो बरामद हुई है और जो दो अभियुक्त हैं वो 1 दिसंबर को मऊ में अवैध असलाह के साथ अवैध तमंचा फैक्ट्री में पकड़े गए हैं, वहाँ से वो आजमगढ़ जेल में हैं, उनका भी वारंट बी पर रिमांड लिया जाएगा और उनसे आगे और जानकारी की जाएगी। इसके अलावा जो मोबाइल है अभियुक्तों के वो पुलिस ने सीज़ किया है, जिसके की फॉरेंसिक जाँच के लिए भेजा जाएगा और इसमें जो भी इंटरनेट कॉलिंग वगैरह का प्रयोग हुआ है उसकी हम कॉल डिटेल FSL के माध्यम से और साइबर के माध्यम से निकाल के इसमें आगे विवेचना करेंगे जी। टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत डिफ़िकल्ट केस था जिसमें कि इन्होंने अनावरण करते हुए ना सिर्फ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है बल्कि पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है। इसको देखते हुए शासन की तरफ से अपर मुख्य सचिव महोदय की तरफ से 1,00,000 रुपए का पुरस्कार प्रोत्साहन के लिए टीम को दिया गया है। सर, जो मौत के अपराधी पकड़े गए हैं जी, उनमें से एक अभियुक्त ऑलरेडी 302 के मुकदमे में जेल जा चुका है, जिसमें उसने एक व्यक्ति को गोली मारी थी 2 बार और इसके अलावा वो अवैध असलाह वगैरह के मुकदमे भी उन पर हैं, तो उनके और प्रकरण की जांच करवाई जा रही है, कहां कहां उनके खिलाफ और मुकदमे दर्ज हैं इसकी जांच करके आगे कार्रवाई की जा रही है। सुपारी की बात है कि पैसा भी दिया गया जी। इसमें जो गोपाल यादव है जो कि मृतका का रिश्तेदार था, उसने अपने ही गांव के विश्वजीत नाम के व्यक्ति को ये घटना कारित करने की सुपारी दी थी और इसमें विश्वजीत के परिवार से प्रधानी का चुनाव लड़ा गया था, तो विश्वनाथ के जो प्रधानी का चुनाव लड़ा गया उसमें जो गोपाल था उसने उनको आर्थिक सहयोग किया था काफ़ी भारी मात्रा में और उसी के बदले जो कर्जा हुआ था उसी के बदले उसने ये कार्य को अंजाम देने का प्रस्ताव उनके सामने रखा, जिसमें कि पूरी योजना बनाकर इस घटना को कारित किया गया जी। अभी तक के जो जाँच हुई है उसमें ज़मीनी विवाद का होना नहीं आया है, जो इनकी कुछ ऑडियो और वीडियो भी हैं वो भी इनके द्वारा शेयर किए गए हैं, अभियुक्तों को भेजा गया था ताकि शिनाख्त सही से हो पाए और इसमें मुख्यतः जो पारिवारिक विवाद है वही सामने आ रहा है, जिसमें कि लोगों से मेल जोल को लेकर जो तनाव था उसको लेकर यह घटना को अंजाम दिया गया था।